नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब भी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफिकेशन के जो मैच चल रहे हैं, जिनका आज का जो मैच खेला जाएगा, जहां पे एक तरफ होगी आयरलैंड की टीम और दूसरी तरफ होगी स्कॉटलैंड की टीम, जहां पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आयरलैंड की टीम का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी लग रहा है। अब ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ खेलने के लिए उतरेगी, तो देखिए आपको अपनी फैंटेसी की टीम कैसे रेडी करनी है, किन पे चांस ले सकते हो, किन को ड्रॉप कर सकते हो, इन सब भी चीजों पे आगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट एनी सेकंड स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बिकॉज जब आप लोग लाइक करते हो तो एक अलग मोटिवेशन रहता है, तो सारे लोग वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िएगा, सारे लोग जो भी यहां पे देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको जुड़ जाना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जी हां, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, जब आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहां पे आपको ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम या फिर फॉलो अस ऑन टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। तो उसके बाद बहुत सारी अपडेट्स आती है या फिर बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जिनको वीडियो के माध्यम से कवर नहीं कर पाते हैं, तो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं वेन्यू को लेके, क्वींस स्पोर्ट क्लब बुलावियो में मैच खेला जाएगा, जहां पे यूएई और श्रीलंका के बीच यहां पे लास्ट मैच खेला गया था। हालांकि ये ज्यादा हाई स्कोरिंग के लिए जाना नहीं जाता है, लेकिन श्रीलंका ने 300 प्लस कर दिया था, 350 के क्रॉस चले गए थे, जो भी मैच, जो कि मैंने आपको बोला भी था कि ओवरऑल डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, टीम का बैटिंग ऑर्डर कैसा है, कौन से बैट्समैन है। अब सेम यहां पे लागू होगी, आयरलैंड की टीम थोड़ी सी बेटर है, स्कॉटलैंड की टीम कंपैरिजन टू आयरलैंड थोड़ी सी वीक है, तो दोनों ही कंडीशंस में आपको अलग अलग स्कोरिंग दिखेगी। लाइक अगर आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करे 260 बन सकता है, 280 बन सकता है, स्कॉटलैंड की टीम पहले बैटिंग करे 240 बन सकता है, तो कुछ उस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो मैचेस हुए हैं वो आपको दिखा भी देता हूं। देखिए, ये लास्ट मैच था, श्रीलंका ने 355 किए, यूएई 180, 14 में से एक फास्टर्स को, 13 विकेट स्पिनर्स को, जहां पे 6 विकेट है जो कि हस्सा रंगा ने निकाले थे। यहां पे देखोगे पाकिस्तान ने 364 किए, जिम्बाब्वे ने 233, 8 में से 4 फास्टर्स 4 स्पिनर्स, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की 399 बन गए, जिम्बाब्वे 155, 11 में से 5 फास्टर्स 6 स्पिनर्स। तो आपको जब भी किसी वीक टीम के सामने बड़ी टीम ने स्कोर किया 300 प्लस गया है, लेकिन सामने वीक टीम होनी चाहिए। स्कॉटलैंड की टीम वीक है, लेकिन आयरलैंड की टीम उतनी शानदार नहीं है, हाँ स्कॉटलैंड से बेहतर है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी स्पिनर्स गेम में रहते हैं, 33 में से 10 फास्टर्स को, 23 विकेट है जो कि स्पिनर्स को मिले, तो स्पिनर्स गेम में रहते हैं। बाकी अगर आप लोग देखोगे टोटल यहां पे 78 मैच खेले गए हैं, 32 बैटिंग ने, 43 चेजिंग ने, 243 का, सॉरी 243 का एवरेज स्कोर रहा है। यहां से देखोगे स्कोरिंग हटाए कि देखिए 200 नीचे नहीं बनना चाहिए, बाकी अगर स्कॉटलैंड की टीम पहले बैटिंग करे तो मे भी चांस है, बाकी 200 और 299 के बीच की स्कोरिंग होनी चाहिए, स्कॉटलैंड की टीम पहले बैटिंग करे तो 200 और 250 या फिर 200 से नीचे भी रह सकती है अगर स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करे। हेड-टू-हेड मैचेस की बात करते हैं तो 20 खेले गए हैं, 4 स्कॉटलैंड ने, 15 आयरलैंड ने, एक टाई हुआ, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो। 2018 में यहां पे क्या हुआ, आयरलैंड जीता, दो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे भी आयरलैंड जीता 2018 के, ये ओडीआई मैचेस है। यहां पे आप देखोगे स्टर्लिंग फ्लोप थे, एंड्रू बालबिर ने 100 किया, एंड्री मैकब्रायन 5+0, बैरी मैकर्थी को 2 विकेट। यहां से देखोगे तो क्रॉस 18 फ्लोप थे, बैरिंगटन ने 44 किए, क्रिस शोल 1, यहां पे आप देखोगे मार्क वुड को 31+ 1 विकेट, शरीफ ने 34+2 किया। ध्यान में रखना, कुछ चीजें आपको बताऊंगा, यहां पॉल स्टर्लिंग 74 था, मैक बालबेन 47 था, डॉक रेल को 2 विकेट थी, बैरी मैकर्थी 2 विकेट थी।
हेनरिक रोस का देखोगे 33 के, बैरिंगटन फ्लोप था, जॉर्ज मुंशी 30, अलेक्जेंडर लिस्क काउंसर इवंस को एक विकेट। तो ओवरऑल देखोगे आपको एक तो अलेक्जेंडर लिस्क दिखेगा, उसके अलावा यहां पे बैरिंगटन ने यहां पे स्कोरिंग की, यहां पे आपको बैलबन की स्कोरिंग दिखी, यहां फ्लोप थे स्टर्लिंग, यहां पे स्टर्लिंग की आपको परफॉर्म दिखी, मार्क वॉट ने ठीक ठाक किया, एस शरीफ ने वो ठीक ठाक किया। तो ये प्लेयर है जिन्होंने लास्ट के दो मैच में है वो परफॉर्म किया है, जो कि आप देख सकते हो यहां पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं छह ओवर के पावर प्ले में क्या होता है। तो देखिए पावर प्ले है वो ठीक ठाक सा जाता है, पावर प्ले में थोड़े से विकेट्स के भी आपको कम चांसेस दिख रहे होंगे, जहां पे आप देखोगे यहां दोनों इनिंग्स में विकेट नहीं थी, यहां फर्स्ट में नहीं, यहां फर्स्ट में नहीं, यहां पे आप देखोगे सेकंड में नहीं, यहां फर्स्ट में नहीं, ज्यादा चांसेस फर्स्ट में है। बाकी आयरलैंड थोड़ी सी बेहतर टीम है, तो शायद अगर वो पहले बैटिंग करे तो विकेट ना जाए, और स्कॉटलैंड की टीम पहले बैटिंग करे तो उनके विकेट चले जाए या फिर सेकंड चार्जिंग करते हुए भी चले जाए। बाकी यहाँ पे आयरलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग लिस्ट, जहां पे आपको एंडी मैकब्राइन जो कि एज ए ऑलराउंडर काफी नीचे खेलते थे, ये लास्ट के कुछ मैचेस में ओपन करते हुए दिखे, 20+0 है, 7+1 है, 4+1 है, 5+1 है, 4+2 है, तो आपको इतनी खास परफॉर्मेंस एंडी मैकब्राइन की दिखी नहीं। स्टर्लिंग का है 23 है, 55 है, 5-1 है, तो ये भी फंसे है। बालबिन का देखोगे तो यहां पे आपको एक 50 दिखेगी, उसके अलावा कुछ खास नहीं है। हैरी टैक्टर का देखोगे 52+0, 4+1, 149 नॉट आउट, 13+0, 1, तो ये अभी थोड़ी गेंदबाजी भी करने लगे हैं मैं डिटेक्टर। लॉर्कन टक्कर का देखोगे तो इनकी आपको बढ़िया परफॉर्म दिखेगी, लगातार अच्छा करते हैं। जियोर्ज डॉकरेल का देखोगे तो लास्ट मैच में 91+1 विकेट, जो कि इसी क्वालिफिकेशन का है, उसके अलावा 8+1, 8+0, 38+0 ध्यान में रखना, मैं आपको बताऊंगा किन कंडीशन में ले रहा है। ग्रैथ डेलनी का देखोगे 30 है, 46+0 है, 32+0 है, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्क अडेयर इस टीम के मेन गेंदबाज है, आपको अच्छी खासी विकेट दिखेगी। उसके अलावा ग्राहम होप है तो आपको थोड़े से विकेट्स कम दिखेंगे। जोशुआ लिटिल मेन गेंदबाज है, उसके बाद देखोगे बैन व्हाइट का देखोगे 5 विकेट, यहां 2, यहां 2, यहां 1, यहां, तो जब भी विकेट निकालते हैं आपको दिखेंगे कि ये बल्क में निकालते हैं। बाकी जोशुआ लिटिल डेथ में और ग्राहम होम है या फिर मार्क अडेयर है, ये आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। अब इनमें से लेना किस किस को है वो भी समझना आप। देखिएगा एंडी मैकब्राइन 5 का एवरेज है, 5 मैच में हेड टू हेड में 3 विकेट है, वेन्यू पे खेले नहीं है, अब ओपन कर रहे हैं, आपको 5 से 6 ओवर दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 10 ओवर पूरे देंगे, लेकिन 5 से 6 ओवर दे रहे हैं तो फिर बनते हैं। पॉल स्टर्लिंग 12 मैच 33 का एवरेज, वेन्यू पे नहीं खेली है, हेड टू हेड में एवरेज बढ़िया नहीं है, लेकिन कमजोर टीम है, तो फिर पॉल स्टर्लिंग और बालबिन बनते हैं। 10 मैच में 34 का एवरेज, 2 विकेट, वेन्यू पे नहीं है, 34 का एवरेज इनका है, बालबिन है गेम चेंजर, कैप्टन बन सकते हैं आपके लिए, ध्यान में रखना बालबिन। हैरी टैक्टर है, हेड टू हेड नहीं खेले, वेन्यू पे भी नहीं खेले, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सेफ कैप्टन है वो हैरी टैक्टर बन जाते हैं, तो ये 4 तो बन गए। अब लॉर्कन टक्कर हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे नहीं है, फर्स्ट बैटिंग अगर करती है आयरलैंड की टीम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेम चीज डॉकरेल की बोलूंगा, 8 मैच 11 विकेट है, वेन्यू पे नहीं है, अगर आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है आपको लेना पड़ेगा जॉर्ज डॉकरेल को, अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हो अगर आयरलैंड की टीम चेस करती है, क्योंकि ये ज्यादा ओवर नहीं डालते, 5 से 6 ओवर डालेंगे, अगर विकेट नहीं मिलती है तो शायद होप कि इनको बैटिंग का मौका ना मिले, दैट्स वाइज आई एम टेलिंग यू कि आप चेजिंग के दौरान ड्रॉप कर सकते हो। डेलनी को मैं लेके जाऊंगा, बढ़िया लेग स्पिन करते हैं, हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे भी नहीं खेले, तो ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। कौन? ग्रास धन है, ये आपके लिए बढ़िया डिफरेंशियल पिक एज यू से की है, ये गेम चेंजर बन सकते हैं। मार्क अडेयर हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे भी नहीं है, मेन गेंदबाज है। ग्राहम होम है, हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे नहीं है, शायद मैं लिटिल को लूंगा क्योंकि सबको तो हम नहीं ले सकते, इनका भी हेड टू हेड वेन्यू नहीं है, स्टैट्स नहीं है, लेकिन यहां से डेलनी, अडेयर और लिटिल, ये 3 मुझे ज्यादा बैटर लग रहे हैं, समझ गए। यहां पर अगर आप एज ए डिफरेंशियल ट्राई करना चाहो तो फिर मैं आपको बोलूंगा ग्राहम होम को है आप ले सकते हो किसकी जगह पे, गैरेथ डेलनी की जगह पे या फिर मार्क अडेयर की जगह पे, लेकिन मैं डेलनी की जगह किसी को भी लेने की कोशिश ट्राई करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेटर ऑप्शन लग रहा है, इनका सिलेक्शन आपको कम दिखेगा। बाकी कर्टिस कंफर है, अगर मौका मिले बढ़िया ऑलराउंडर है, उसके अलावा देखोगे मैक्रति है, पैटर मूर है, क्रेग यंग है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं स्कॉटलैंड के प्लेइंग 11, तो यहां पे आप देखोगे क्रिस्टोफर मैकब्राइड है, 20, 5, 22, 47, 22, तो 1 या 47 जरूर है, इसके अलावा कुछ खास किया नहीं है।
क्रोस का भी देखोगे तो इनको स्टार्ट मिलता है लेकिन बड़े स्कोर में इतनी एबिलिटी नहीं दिख रही कि ये बड़े स्कोर में कन्वर्ट कर पाते हैं। मैकमुलन का देखोगे तो 49+0, 38+0, 31+1, 4+2, 28+0 तो आपको लगातार बढ़िया परफॉर्म दिखेगा। जॉर्ज मुंशी का देखोगे 103 है, 51 है, 60 है, मेन प्लेयर है इस टीम के। बैरिंगटन का देखोगे तो कुछ खास स्टैट्स नहीं दिखेगा। अलेक्जेंडर लिस्क बढ़िया ऑलराउंडर है, ध्यान में रखना आपको बढ़िया स्टार्ट दिखेंगे। उसके अलावा क्रिस ग्रीव्स भी ठीक ठाक ऑलराउंडर है, इनके भी आपको बढ़िया स्टार्ट दिखेंगे। क्रिस शॉल है तो इनके आपको बढ़िया गेंदबाजी दिखेंगी, 4 विकेट यहां 3 विकेट यहां। एसडर इवंस है, ये बढ़िया गेंदबाजी करते हैं लेकिन यहां पर आपको स्टैट्स कुछ खास नहीं दिखेंगे। सफियान शरीफ का देखोगे तो खास स्टैट्स नहीं है लेकिन ये वो बंदा है जो बल्क में विकेट निकालता है, बैट से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। मैं आपको चीजें बताऊंगा कब कब किनको लेना है। मार्क वोट का देखोगे 0 है 1 है 0 है, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं मार्क वोट। बाकी सफियान शरीफ और जो लिस्क वगैरह है ये आपको डेथ में दिख सकते हैं। यहाँ पे मैच प्राइड का देखोगे हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे नहीं है, स्मॉल लीग में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। क्रोस का 8 मैच में 12 का एवरेज है, 2 मैच में 63 का एवरेज है, वेन्यू पे रहता है। अब वेन्यू पे अच्छा खेले हेड टू हेड में फंसे तो ये थोड़ा सा आयरलैंड के सामने इनको है वो दिक्कतें रहती है, किसको, क्रोस को। लेकिन आप जीएल में जरूर ट्राई करना। मैकमुलन हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे नहीं है। मैकमुलन को अगर आप चाहो ब्रैंडन मैकमुलन को तो इनको आप एसएल में ट्राई कर सकते हो, ये थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी शायद कर जाए। बाकी मुंशी को आप लेंगे 3 मैच 10 का एवरेज है, वेन्यू पे 2 मैच में 29 का एवरेज है। बैरिंगटन को ले सकते हो 15 मैच में 28 का एवरेज, 5 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 84 का। लिस्क को आपको लेना पड़ेगा, 6 मैच में 27 का एवरेज, 2 विकेट है, वेन्यू पे 2 मैच में 4 विकेट है। अब ध्यान में रखना, अगर पहले बैटिंग कर रही है स्कॉटलैंड की टीम तो आप यहां से मैकमुलन, मुंशी और बैरिंगटन इन तीनों को ले सकते हैं अगर पहले बैटिंग कर रही है। लेकिन अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो आपको क्या करना है वो यहां पे हम लोग बात करेंगे जब जाएंगे बॉलिंग सेक्शन में। क्रिस ग्रीव्स हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे नहीं है तो आप क्रिस ग्रीव्स को उस टाइम ले सकते हो, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, इनफैक्ट आपको बैटिंग भी देते हैं। क्रिस शॉल 1 मैच 1 विकेट 1 में 4 विकेट, वेन्यू पे, मैं आपको ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। सेम इवन 5 मैच 4 विकेट, वेन्यू पे नहीं है। सफियान शरीफ 7 मैच 8 विकेट, 2 मैच में 7 विकेट, वेन्यू पे है। मार्क वुड का 3 मैच में 1 विकेट, हेड टू हेड में, वेन्यू पे 2 में 1 है। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला, अगर पहले बैटिंग करती है, बैरिंगटन हो गया, ग्रीव सॉरी उसके अलावा कौन कौन सा हो गया, मुंशी हो गया, मैकमुलन हो गया, पहले बैटिंग करे। अगर स्कॉटलैंड की टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप वहां से बैरिंगटन को ड्रॉप कर सकते हैं, आप मैकमुलन को ड्रॉप कर सकते हैं, आप सफियान शरीफ मार्क वुड की तरफ आ सकते हैं, समझ गए, या फिर वहां से उन तीनों को ड्रॉप करके आप ग्रीव्स को ले सकते हो, सफियान को ले सकते हो, वाट को ले सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखना, अगर स्मॉल लीग में ना करो तो आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, ये चीज आपके लिए बहुत बेटर बन सकती है आपकी ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग दोनों में। बाकी यहां से अगर आप लोग देखोगे तो शायद हमजा ताहिर एक ऑप्शन है यहां से जो मुझे बेटर लगता है अगर खेलते हैं तो, ध्यान में रखना। बाकी प्लेयर्स बैटल में चलते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा कोई मैचअप्स। पॉल स्टर्लिंग को एक बार जरूर इवंस ने आउट किया है, एंड्रे बाल्बिन को एक बार, मार्क वोट ने, बैरिंगटन ने एक बार, बाकी आपको मैचअप्स कुछ खास दिखेंगे नहीं। यहां से अगर आप लोग देखोगे तो मार्क मैच क्रोस को डॉकरेल ने एक बार आउट किया है, बैरिंगटन को डॉकरेल ने एक बार, एंडी बाल्बिन को एक बार आउट किया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे लिस्क को है वो डॉकरेल ने एक बार आउट किया है, तो कुछ खास मैचअप्स नहीं है। लेकिन यहां से हमने टीम कैसी बनाई, देखिए क्रोस, अब क्रोस की जगह आप चाहो तो ल्यूक टक्कर ले सकते हो, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना कि ल्यूक टक्कर के चक्कर में फर्स्ट बैटिंग में जरूर लेना, चेजिंग के दौरान ऐसा ना हो कि ल्यूक टक्कर को लेने के चक्कर में हम नीचे से कोई बढ़िया प्लेयर खो दे। स्टर्लिंग को लिया, हैरी ट्रैक्टर, डॉकरेल को लिया, डॉकरेल को आपको पता है, मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको ड्रॉप करना कब करना है। लिस्क को वीसी किया, मैकब्राइड है, अडेर है, डेल ने है, मैंने लिटिल को रखा, शरीफ को रखा, वॉट को रखा, समझ गए इस चीज को। लेकिन अगर पहले बैटिंग करती है इनकी टीम स्कॉटलैंड की टीम तो आपको क्या करना है, इनकी जगह पे किनको लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो आपको चीजें समझ आ गई होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।